तो हम चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेटिंग। आज का जो टॉपिक मैंने ऐसे चुना था क्योंकि ये फर्स्ट लाइव वीडियो है, तो एक एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइव वीडियो है तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें ताकि आप लोग भी इसको समझ पाओ कि व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट। हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता और आप लोग इस तरीके से सीखने के लिए नहीं जुड़ते। तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला रीज़न जो मैंने नोट किया है वह ये है कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, एविएशन, कंप्यूटर्स, डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे आप विज्ञान के बारे में बात करें, चाहे एविएशन मतलब जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं एविएशन। आप इधर आजकल क्या है, लोग अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं या दूसरे कंट्रीज से लोग हमारे कंट्रीज़ में आते हैं, तो इस तरीके से जब इंटरेक्शन बनता है तो इंग्लिश वहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर ये एज जो है, ये कंप्यूटर एज है। कंप्यूटर एज में अगर हम इंग्लिश में वेल वर्स नहीं होंगे तो शायद हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। हालांकि आजकल बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण आपके अपने ही लैंग्वेज में ही कुछ कुछ उपलब्ध हो पा रहा है, परंतु हर चीज़ ऐसे उपलब्ध नहीं होता। तो कंप्यूटर एज में जब आप जी रहे हैं तो इंग्लिश सीखना तो ज़रूरी है। फिर डिप्लोमेसी, हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस कारण से भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, एक राजनीति के परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में हम भ्रमण करते हैं, तब भी हमको क्या है, इंग्लिश की आवश्यकता है। जब ब्यूरोक्रेसी, हम ऑफिशियल कार्य करते हैं तो ऑफिशियल कार्य में भी क्या है, कई सारे बातें जो है इंग्लिश में ही प्रस्तावित किया जाता है। तो इसलिए इंग्लिश, ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइंस, एविएशन, कंप्यूटर्स, डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म, इस तरीके से क्या है, आपका ये लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होता है और आपको सीखना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट मैंने जो नोट डाउन किया है वो ये है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, द मीडिया एंड द इंटरनेट। आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि आज का जो दौर है, ये दौर है कम्युनिकेशन। महज हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों से कम्युनिकेशन नहीं, परंतु हमारे भारत से बाहर आजकल हमारे फ्रेंड्स, फेसबुक में हम कई सारे हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, फिर मीडिया और इंटरनेट, इस इंटरनेट के दौर में आपको क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर प्रोफिशिएंट होंगे तो आप बेटर ऑफ कर पाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपको मजबूर कर देता है कि आपको इंग्लिश तो सीखना चाहिए। और एक अलग तरीके से मैंने इसको और लिखा है कि इट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। जब आप ग्लोबल, जैसे हम अभी जानते हैं कि धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से क्या है, ये दुनिया धीरे धीरे आपस में जुड़ती जा रही है ना, देश देश आपस में जुड़े जा रहे हैं। तो वी आर बिकमिंग ग्लोबल।
हमारे जितने भी लोकल मैटर है वो सब ग्लोबल हो रहा है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश क्या है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए बहुत आवश्यक है ना। और इंटरनेट, आप तो समझ ही गए होंगे, इंटरनेट के लिए तो लैंग्वेज की आवश्यकता है ही। तो धीरे धीरे दोस्तों ये इंग्लिश जो है हमको पूरे दुनिया में एक दूसरे से जोड़ने के लिए सहायक हो रही है लैंग्वेज। तो इसको जब हम सीखेंगे तब हम कहीं भी जाएंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने नोट डाउन किया है कि इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट मैटर। आप कोई भी स्टडीज, आप एडवांस स्टडीज कर रहे हैं, है ना, आप BA, MA या BSc, MSc डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब आप एडवांस्ड स्टडीज करते हैं तो इंग्लिश, आप अगर इंग्लिश में साउंड हैं तो आपका विषय को समझने में ये बहुत सहायक होता है। और उस तरीके से क्या है, यू कैन ईजीली रीच योर गोल, आप अपने लक्ष्य में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है, तीन प्रमुख कारण यहाँ पे बताया इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। एक कारण क्या है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, एविएशन, कंप्यूटर्स, डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म। एंड सेकेंडली, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। एंड थर्डली, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश will help you reach your goal। तो इस तरीके से क्या है, हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इंग्लिश के वजह से कई बार ये सवाल आता है। मैंने ऐसे कुछ मेरे ध्यान में आया कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने विषय को सही रीति से समझ पाएगा अगर ये भाषा को ठीक से सीखता है। जॉब सीकर के लिए ये लैंग्वेज की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू या कोई भी एग्ज़ाम, कंपेटिटिव एग्ज़ाम वो अपीयर कर रहा है, तब उसके साथ एक फेयर चांस होता है उसके पास कि वो उस जॉब के लिए वो क्लियर करें, वो जॉब के लिए क्वालिफाई करें, है ना। प्रोफेशनल्स के लिए ये लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के जो जॉब को और आसानी से करने में और बेहतर तरीके से करने में और अपने आप को बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और होममेकर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमारे जो घर में जो बहनें हैं, है ना, होममेकर्स, मैं उनको होममेकर्स कहता हूँ, हाउसवाइफ्स नहीं कहता, होममेकर्स कहता हूँ। आप सब भी ये इसको आप चेंज कर सकते हो, जो लोग हाउसवाइफ कहते हैं अपने आप को, आप ये चेंज कर सकते हो, यू आर नॉट हाउसवाइफ्स, यू आर होममेकर्स, है ना। घर को बनाने वाले होते हैं आप, संवारने वाले होते हैं आप। तो आप होममेकर्स के लिए क्यों इंग्लिश आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो उसका होमवर्क करने में या उनको मदद करने में ये लैंग्वेज बहुत आपको सहायक हो सकता है। शॉपकीपर के लिए भी ये लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता है आपको, क्योंकि आज के दौर में क्या है, मान लो साउथ इंडिया से कोई आपकी दुकान में आता है कुछ खरीदने, तो उसको भाषा पता नहीं कैसे कम्युनिकेट करना है, तो थोड़ा बहुत शॉपकीपर को इंग्लिश की समझ है तो क्या है, वो आसानी से उनके साथ भी बात करके क्या है, वो अपने बिजनेस को क्या है बढ़ा सकते। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर बिजनेस, बिजनेस टू डू वेल। वेल, अब हम ये देखेंगे, अभी मैं एक बार देख लेता हूँ कितने हमारे फ्रेंड्स जुड़े गए हैं। सो
यस फ्रेंड, हम अभी बहुत ही कम जुड़े हैं। ये फर्स्ट लाइव वीडियो है, मुझे पता है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, परंतु आगे उम्मीद है कि आगे और भी हमारे फ्रेंड्स जुड़ेंगे वीडियोस ऐसे लाइव वीडियो में। ये एक मेरी कोशिश है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आशा करता हूँ आप लोग, अगर आपके फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर सकते हैं लिंक, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू लर्न और मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये असली बात तो यहाँ पे है कि ये भाषा को आप कैसे सीखें और इसके ऊपर कैसे मास्टरी हासिल करें, है ना। जब तक इसके ऊपर मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या है, ये भाषा डराती रहेगी। ये बात आप जान लो, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मैं जब देखता था लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए, तो मैं भी बहुत अचंभित करता था कि ये लोग कैसे इंग्लिश में इतने फराटेदार इंग्लिश बोल पा रहे हैं, क्या मैं कभी भी इंग्लिश ऐसे बोल सकता हूँ क्या। तो ये मेरे मन में था। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम ये बात सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, परंतु क्या है, हमको क्या पता नहीं कि हम कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें और कैसे इस भाषा के ऊपर हम मास्टरी हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एज अ टीचर एक भाषा सीखने के लिए चार स्किल्स की आवश्यकता है, ये आप नोट कर लो। एक है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, और तीसरा है रीडिंग, एंड चौथा है राइटिंग। ये चार स्किल्स अगर आप इम्प्रूव करते हो तो क्या है, आप भाषा में मास्टरी कर सकते हो। यू नीड टू यू नो इम्प्रूव और डिवेलप फोर स्किल्स। व्हाट आर दे? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग के लिए, उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपके कान हैं, आप सुन पाते हैं? दैट मीन्स आप लिसनिंग कर पाओगे, है ना। और स्पीकिंग, आप बोल पाते हैं? यू हैव अ माउथ एंड यू कैन स्पीक। तो ये आपका जीरो लेवल है, लेकिन वहां से आप शुरू कर सकते हो, है ना। रीडिंग, यू हैव गुड आइज, गुड विजन, यू कैन रीड द टेक्स्ट, देन आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकता है। राइटिंग, क्या आप लिख पाते हैं, आपके लिम्स प्रॉपर है, आपके हाथ और उंगलियां ठीक से चल रही हैं, ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं। आप ये सब में अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो, स्किल्स जो होता है ना, स्किल्स एक क्या बोलते हैं, स्किल्स हमारे अंदर रहता है, हमको स्किल्स कहीं से खरीद के लेके लाना नहीं पड़ता, है ना। स्किल्स हमारे अंदर है, हम उस स्किल्स को क्या है, डिवेलप करते हैं। इसलिए मैंने ऐसे पूछा, आपकी आंखें हैं क्या, आपका मुंह है क्या, आप है ना, आपके कान है क्या, है ना, हाथ और उंगलियां ठीक से चल रही है क्या। ये मैं क्यों पूछा, क्योंकि ये सब जो है, ये स्किल्स ईश्वर ने आप लोगों को दिया है। कान सुनने के लिए दिया है, आंख देखने के लिए दिया है ना, मुंह बोलने के लिए दिया है, हाथ के द्वारा लिखने के लिए दिया है। तो अगर ये चारों काम अगर आप कर पा रहे हो, देन तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इंग्लिश सीखने में, है ना, या फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती इंग्लिश सीखने से, है ना, क्योंकि ये चार बातें आप कर पा रहे हो। परंतु ये अगर आप कर पा रहे हो, इसके लिए लेकिन दोस्तों मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे यू नो, अगर कोई व्यक्ति चाहता है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए और केवल वो ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखता रहेगा दूसरे बॉडी बिल्डर्स को, है ना, और दूसरे लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखेगा, तो वो कभी भी एक उसके उसका जो बाइसेप्स नहीं बनेंगे, है ना। उसको खुद से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर मेरे इस लाइव वीडियो में आप जुड़े हो और ये सोच रहे हो कि ये ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखने के बाद मैं तो इंग्लिश सीख जाऊँगा और फराटेदार इंग्लिश बोलने लगूँगा, ये आपकी गलत फहमी है,
है ना, इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ, ठीक है। इंग्लिश में मास्टरी करने के लिए आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, दैट इज माई यू नो मेन पॉइंट टुडे, है ना। ये एक चीज आप नोट कर लो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सॉरी मैंने मैन बोल दिया ताकि हमारे वुमेन लोग उसको दुखी ना हो, तो मैं उसको बदल देता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, ओके, नाउ इट्स ओके, यस, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्शन की ओर कभी जा ही नहीं सकते। आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आपको क्या करना है ना, दूसरों को हाथ पैर हिलाते हुए है ना आप कुछ देखोगे तो आप स्विमिंग नहीं कर सकते। आपको पानी में कूदना है और आपके हाथ पैर को हिलाना है, तभी आप क्या है पानी के ऊपर तैरना आप तैर सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो आपकी जो स्किल्स है इस स्किल्स को आप कैसे डिवेलप कर सकते हो, स्किल्स को डिवेलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस है ना, बिना प्रैक्टिस के आप आपकी इंग्लिश को मजबूत या इंग्लिश में मास्टरी नहीं कर सकते। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आप अगर कहीं पे मुझे साइन करना है तो बता दीजिए, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो लोग भी इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप कृपया इस बात को ध्यान दें कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो प्रियो आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी पड़ेगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, ओके, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, है ना। सो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे, आज से ही ये प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, है ना, आपको टिप्स दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, है ना, कि what are you doing presently to master English, है ना, आज अभी या फिर इन दिनों में आप क्या कर रहे हो अपने ओर से इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप चाहो तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, है ना, ये मुझे आसानी होगी आप लोगों को समझने के लिए कि आप अपने लेवल में आप क्या कर रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। या फिर आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो क्यों कर नहीं रहे हो, क्या वो क्या बात है जो आपको रोकती है ये सब करने के लिए, वो भी आप लिख सकते हो। कई बार क्या होता है दोस्तों कि सबसे क्या है मेन रीजन मैं देखता हूँ अक्सर जब किसी से मैं पूछता हूँ, तो दो चीज जो दो बातें जो है वो लोगों को इंग्लिश सीखने से रोकती है, एक है डर और दूसरी बात है एक क्या बोलते हैं शाइनेस, है ना, फियर एंड शाइनेस। डर किस बात की, डर ये है अरे मैं अगर गलत हो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। शाइनेस, फिर आप लोगों के सामने क्या है बोलने के लिए मैं कैसे बोल सकता हूँ यार इस तरीके से, अगर आप हिंदी बोल सकते हो या अपनी भाषा में किसी से बात कर सकते हो तो व्हाई नॉट इंग्लिश यार, है ना। तो आप कोशिश तो करो, है ना, और कोशिश करो, ठीक है, मान लो आप गलत हो भी गए, है ना, फिर भी आप कोशिश में लगे रहो। ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, मान लो आपको ये डर लग रहा है, मैं आगे बताऊंगा टिप्स कैसे इससे आप बाहर निकलोगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी देखा हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ इंग्लिश, उन्होंने अपने एक पब्लिकेशन जो 3 फरवरी 2022 अभी अभी हाल ही में फरवरी महीने में उन्होंने एक पब्लिकेशन एक लिटरेचर में इस तरीके से लिखा कि 5 इफेक्टिव वेज टू मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, 5 मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज, ये 5 तरीका है जो अपना के आप क्या है इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हो,
तो नंबर वन क्या है, क्या आप गैस कर सकते हो? नंबर वन क्या उन्होंने कहा होगा? देखो दिग्गजों ने बहुत, जो लिंग्विस्ट्स हैं वो लोग बहुत छानबीन करके ये सब पांच बिंदु में वो लोग क्या है नतीजे में पहुंचे हैं। तो नंबर वन जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि स्पीक स्पीक एंड स्पीक, है ना। अगर आपको इंग्लिश के ऊपर मास्टरी करनी है तो क्या करना है? स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, यू स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। उनका ये कहना है कि द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू कैन गेट। ओके, जितना आप बोलोगे उतना आप फ्लुएंट हो पाओगे। फ्लुएंट मीन्स फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाओगे। क्यों क्यों ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर मैं दौड़ की प्रतियोगिता में या प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा हूँ और मैं अचानक से एक दिन सुबह उठ के मैं दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लूँगा और मुझे वहाँ दौड़ना है, तो क्या मैं दौड़ पाऊँगा दूसरों की तरह? नहीं, है ना। इसलिए मुझे क्या है, रोज़ साल पहले, दो साल पहले क्या है, मुझे रोज़ सुबह उठ के या कोई भी टाइम में आपके सहूलियत के अनुसार आपको क्या है, स्टेडियम में जाके, है ना, खेल के मैदान में जाके आपको दौड़ना है। ये दौड़ना एक क्या है, प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप मेन एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जितना आप बोलना शुरू करोगे उतना ही आप क्या है, फ्लुएंट हो पाओगे, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ तो आपको बहुत चिंता में डालती होगी, वह ये है कि मैं बोलूँगा तो, है ना, बोलना तो शुरू कर दूंगा लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ ना, लोग क्या कहेंगे। ये जो एक चिंता है या डर है या आशंका है, इससे आपको बाहर निकलना है। आपको ऐसी कोई उसके डर नहीं होनी चाहिए, क्यों पता है, जो भी इंग्लिश सीखा है हम जैसे लोग, हम लोग भी ऐसे दौर से ही गुजरे हैं, है ना। कोई भी क्या है, बिना गलती किए कुछ भी नहीं सीखा है, ठीक है। किसी ने तो ऐसा भी कहा है कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, है ना। जब हम गलती करते हैं तभी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि फेल होते हैं तभी हम क्या है, सक्सेस की ओर आगे एक कदम बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट स्पीकिंग रॉन्ग। ओके, देखो आप अगर आज स्पीकिंग रॉन्ग कर रहे हो, मतलब आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, आपके दो लोग जो आपके सामने होंगे वो हंसेंगे, है ना, पांच मिनट के लिए। लेकिन आप अगर कभी नहीं बोलोगे तो क्या है, आप हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे। आपके जीवन में एक क्या है, ये रहेगा, आप सोचोगे कि अरे मैं अपने जीवन भर में एक लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने चाहा लेकिन सीख नहीं पाया। इसी मायूसी के साथ अपने जीवन को बिता दोगे, है ना। तो वाई नॉट स्टार्ट, वाई नॉट यू नो किक स्टार्ट इट। और क्या है, देखिए जब आप बोलोगे, अगर मान लो आपको किसी के सामने बोलने के लिए थोड़ी सी शर्म आती है, लज्जा आती है, तो आप क्या करो, आपके मिरर के सामने खड़े हो जाओ, है ना, थोड़ा बहुत बातचीत करो, अपने ही प्रतिबिंब से आप बातें करो, है ना, ताकि इस तरीके से भी आप एटलीस्ट यू स्टार्ट स्पीकिंग समहाउ। ओके, और है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। मैंने एक हाल ही में एक कुछ छात्रों से मैं मिला, तो मैंने उनको पूछा आप लोगों का विषय क्या है, है ना, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो वो बोल रहे हैं हम भूगोल, इतिहास, है ना, और राजनीति विज्ञान पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने बोला क्या आप इनको इंग्लिश में एटलीस्ट बोल सकते हो? तो बोले हाँ, तो क्यों नहीं बोलते, भूगोल को जियोग्राफी बोलो ना, इतिहास को हिस्ट्री बोलो ना, है ना, राजनीति विज्ञान को आप पॉलिटिकल साइंस बोलो ना। तो एटलीस्ट जहाँ जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हो वहाँ पे तो बोलना शुरू करो। बाकी
जो लंबी लंबी जो सेंटेंसेस है वो बाद की बात है, देखा जाएगा। पहले छोटे छोटे शब्दों से तो शुरू करो, है ना। आप जैसे मोबाइल से किसी से बात कर रहे हो मोबाइल में, है ना, तो आप हेलो बोल रहे हो या गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, ठीक है, दैट इज़ गुड। उसके अलावा कुछ तो इंग्लिश में और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दो, जैसे हाउ आर यू, हाउ वाज द डे टुडे, इस तरीके से थोड़ा बहुत आप बोलना शुरू करो। तो ऐसे क्या है, आपका डर धीरे धीरे जाता रहेगा और आप धीरे धीरे क्या है बोलना सीख सकते हो, है ना। और मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, है ना, और आप लोगों को दूंगा, उसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूं, आई एम वर्किंग आउट ऑन इट, सो वेट फॉर इट। एक्चुअली व्हेन आई विल बी एबल टू फिनिश इट आई डोंट नो, बट मैं समय निकाल के ज़रूर इसको जल्द से जल्द पब्लिश करने का प्रयास करूँगा। सेकेंड पॉइंट जो है उन्होंने कहा है, है ना, वो क्या है, डिक्शनरी इज योर पॉल, है ना, डिक्शनरी इज योर पॉल। देखो मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ, इवन मैं कई मेरे सीरीज और वीडियोज अभी मैंने बनाया, 4-5 वीडियोज इसी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट अ डिक्शनरी कुड बी इन योर लाइफ। देखो आप एक 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 नई भाषा सीख रहे हो यार, और अगर आपके पास एक सही डिक्शनरी नहीं है तो आप कैसे भाषा सीख पाओगे, या कौन आपको इतना समझा पाएगा जब तक आप स्वयं से प्रयास नहीं करोगे, है ना। तो लिंग्विस्ट्स का ये कहना है कि क्या है, डिक्शनरी में आपको बहुत कुछ मिलता है। आपको अगर डिक्शनरी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या सीखने को मिलता है, अभी अभी मैंने 2-3 वीडियोस मैंने बनाया है, ज़रूर आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस सेक्शन को आप विजिट करिए और देखिए कि हम डिक्शनरी से क्या सीख पाते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी से कि एक इंग्लिश डिक्शनरी, एक तो मैं जानता हूँ कि आप लोग इंग्लिश सीखते होंगे, आपके पास इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी या इंग्लिश टू आपके जो भी लैंग्वेज से आप आपके वर्नेक्युलर लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का ही एक डिक्शनरी आपके पास होगा। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपके पास होना जरूरी है, तभी क्या है आप लैंग्वेज में इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि उस डिक्शनरी में आपको ना केवल वर्ड की मीनिंग मिलेगी परंतु वो वर्ड क्लास क्या है, है ना, वो वर्ड के वर्ड को कैसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं, वो वर्ड को कितने तरीके से, कितने मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है, इडियम्स क्या हो सकते हैं, है ना, और मोर इम्पोर्टेंटली उस वर्ड को कैसे उच्चारण करते हैं, उच्चारण की विधि क्या है, वो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में क्या है बताया गया है। और मैंने अभी अभी एक जो हाल ही में एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था, उसमें मैंने वो साउंड्स के बारे में भी बताया हूँ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया हूँ, है ना। सो डिक्शनरी इज योर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, आपको क्या करना है, स्पीक स्पीक एंड स्पीक। सेकंड क्या है, ग्रैब अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को आप, डिक्शनरी के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना, मेक डिक्शनरी योर फ्रेंड, ओके, मेक डिक्शनरी योर फ्रेंड, ओके फ्रेंड। आपको मैं समझता हूँ कि आप ये सब समझ गए होंगे। और तीसरी बात यह है कि इनकल्केट इंग्लिश इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, है ना, इनकल्केट इंग्लिश इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। मैं जानता हूँ कि मे बी कुछ लोग इनकल्केट शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए होंगे, इसको क्या है अपनाना है या अपने अंदर उसको क्या है रखना है, इनकल्केट, है ना, उसको उस प्रैक्टिस को अपने अंदर लाना है ना, कि क्या डे टू डे एक्टिविटीज में इंग्लिश को उसमें शामिल करना है, ठीक है। तो मैं अभी अभी जो मैंने, जैसे मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड आप यूज़ करने का प्रयास करिए और ये अभ्यास करिए, है ना, कहाँ पे, जहाँ पे आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हो, फॉर एग्जांपल, है ना, जहाँ पे आप हाँ बोल रहे हो, है,
आपको तो पता है हाँ का मतलब यस है, तो वाई नॉट यस, है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग हाँ, क्यों ना आप यूज करो यस, क्यों ना आप यूज करो नो, है ना, इस तरीके से आप क्या है शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। चौथी बात यह है कि अ न्यू वर्ड अ डे, न्यू वर्ड, आपको एक एक नया शब्द सीखना है, है ना, मेक इट अ हैबिट ऑफ लर्निंग अ न्यू वर्ड, है ना। और आप जानते हैं कि भाषा बोलना है तो आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जब तक आप आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक क्या है आप सही रीति से बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो बहुत सारे स्टॉप गैप्स यूज़ करोगे, क्योंकि आपके जहन में क्या है वो शब्दावली नहीं आएंगे, है ना, कुछ आप बोलना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आता होगा, तब हैं करोगे आप। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप डेली एक प्रैक्टिस करो कि एक एक वर्ड आप ज़रूर सीखो, है ना। अभी मैंने अपने जो कम्युनिटी पेज है, अब मेरे जो चैनल में कम्युनिटी पेज, उसमें जब जाओगे, मेरे जो होम पेज में जाओगे ना, वहाँ पे क्या है प्लेलिस्ट के बाद एक कम्युनिटी पेज है, वहाँ पे रोज़ मैं 7 बजे 7:30 बजे के आसपास क्या है एक वोकैबुलरी क्विज या वोकैब क्विज मैं डालता रहता हूँ, है ना। तो ये क्विज में आप पार्टिसिपेट करिए, है ना, और दिन के अंत में मैं क्या है उसका उत्तर क्या है मैं फिर उसमें कमेंट में लिख देता हूँ। तो कोई भी उसमें जो विकल्प है, 4 विकल्प में देता हूँ, कोई भी विकल्प आप उसमें क्लिक करो और आप देखो कि आप सही हो या गलत हो, है ना, और अंत में आपको पता चल जाएगा। या फिर जैसे आप उस शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अभी अभी मैंने क्या कहा था, डिक्शनरी के साथ दोस्ती करो, तुरंत आप डिक्शनरी के पास जाओ और उसे पूछो कि भैया इस शब्द का अर्थ क्या है, है ना। अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आपके मोबाइल भी तो यूज़ कर सकते हो ना यार, आपके पास डेटा पर्याप्त है, है ना, यू हैव फ्री डेटा, आज की डेट में डेटा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जस्ट टाइप दैट वर्ड एंड मीनिंग ऐसा करके लिखो, है ना, और देखो कि उस शब्द का अर्थ क्या है, है ना, आजकल तो उसमें सेंटेंसेस भी आ रहे हैं। तो अगर डिक्शनरी ना भी हो तो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल करके उसमें वर्ड देख सकते हो, या फिर गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। तो ऐसे करोगे तो क्या है आपकी इंग्लिश फ्लॉलेस, त्रुटिहीन, है ना, उसमें कम गड़बड़ी रहेगी, और फ्लुएंट आप जो स्टॉप गैप्स है उसको अवॉइड करके क्या है आप फ्लुएंटली बिना रुकावट के इंग्लिश बोल सकते हो। पांचवी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वह यह है कि इंटरैक्ट विथ पीपल, है ना, जितना हो सके आप लोगों से इंटरैक्ट करो इंग्लिश में, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप एक ग्रुप फॉर्म करो, और आप आपस में क्या है दोस्तों के साथ जब आप खेल कूद रहे हो एक समय निकालो और एक ग्रुप डिस्कशन करो, कोई कॉमन टॉपिक छेड़ो उसमें एंड स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट टॉपिक, है ना, स्टार्ट डिस्कसिंग। और ये मत सोचो कि आप कितने अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हो, नो, पॉइंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रादर हाउ यू स्पीक एंड व्हाट यू स्पीक, है ना, अपने पॉइंट्स को अपने आइडियाज को व्यक्त करने का प्रयास करो। ऐसे करने से क्या होगा, इस तरीके से क्या है धीरे 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 आपकी लैंग्वेज पॉलिश होती जाएगी, है ना, और इस तरीके से क्या आप मास्टरी कर पाओगे। तो मैंने 5 क्या पॉइंट्स बताए थे, मैं आपको सम अप कर देता हूँ आपको समझने के लिए। नंबर 1, स्पीक स्पीक एंड स्पीक, देयर इज नो अदर गो, ओके, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ओके, स्टार्ट स्पीकिंग, डोंट वरी अबाउट wrong English, है ना, you just leave it there, है ना, even it is wrong हो, right हो, कुछ भी हो, you start speaking, ठीक है, अगर wrong है तो right हो जाएगा, कभी भी एक दिन आप right कर सकते हो, है ना, wrong करोगे करके आप अगर क्या है बोलना शुरू नहीं करोगे तो क्या है आप नहीं बोल पाओगे। Second बात है, dictionary is your pal, make dictionary your friend, okay। और थर्ड मैंने क्या बताया था कि इनकल्केट इंग्लिश इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, है ना, अपने दिनचर्या में इंग्लिश को जितना हो सके सम्मिलित करो, है ना, आपके रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से,
लोगों से, जितने लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, कोशिश करो कि इंग्लिश में आप बात कर रहे हो और हेजिटेट नहीं करना, ठीक है, डोंट हेजिटेट। एंड चौथी बात क्या बताया था मैंने, लर्न अ न्यू वर्ड, है ना, अ डे, है ना, एक दिन में एक वर्ड आप सीखें, और वो आप मेरे कम्युनिटी पेज में आप अगर विजिट करोगे तो आप ज़रूर एक एक वर्ड आप सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। और उसको सेंटेंसेस में भी उपयोग करना ना भूलना। और पांचवी बात क्या है, इंटरैक्ट विद पीपल, नंबर वन स्पीक, नंबर टू मेक डिक्शनरी योर फ्रेंड, नंबर थ्री इनकल्केट इंग्लिश इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, नंबर फोर लर्न अ वर्ड अ डे, एंड नंबर फाइव इंटरैक्ट विद पीपल। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ ये पॉइंट को, आज कम जुड़े होंगे मुझे पता है, और हम देखेंगे आगे और भी आप लोग जुड़िए, और आप जब तक आप अपने कमेंट्स हमारे ये कमेंट बॉक्स में आप जब तक अपने बारे में आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं लिखोगे, तब तक मैं भी क्या है वीडियो कंटेंट अपने हिसाब से बनाता रहूँगा, है ना, जो कि आपके लिए शायद इतना उपयोगी ना हो। परंतु आप अगर कमेंट लिखोगे, वीडियोस में भी नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, तो उसमें भी चैट बॉक्स में अगर आप कुछ लिखोगे, तभी क्या है मुझे पता चलेगा कि आपको असल में क्या आवश्यकता है, और उस हिसाब से क्या है मैं वीडियो कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तभी मदद कर सकता हूँ जब आप क्या मदद चाहिए आप मेरे को बताएंगे, है ना। डॉक्टर्स तभी एक पेशेंट्स को अच्छे रीति से ट्रीट कर पाएगा जब पेशेंट्स उसको क्या है अपने बीमारी के बारे में सही बता पाएगा, ठीक है। दोस्तों मुझे अभी इजाज़त दीजिए, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।